पंजाबी भाषा एवं संस्कृत में योगदान के बदले पंजाबी साहित्य अकादमी की ओर से आज जाने माने पंजाबी लेखक प्रोफेसर गुरुभजन सिंह गिल को लुधियाना के पंजाबी भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया। ये फेलोशिप अवार्ड प्रोफेसर गिल को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनोहर सिंह गिल ने सौंपा, जबकि इस मौके पर पद्मश्री अवार्डी एवं पंजाब आर्ट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर सुरजीत पात्र, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पूर्व वीसी डॉक्टर एमपी सिंह, पीयू के पूर्व वीसी डॉक्टर मंजीत सिंह कंग, पूर्व वीसी गुरु काशी यूनिवर्सिटी डॉक्टर एनएस मल्ही के अलावा पंजाब साहित्य अकादमी के क्रमशः प्रधान एवं महासचिव डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा, डॉक्टर सुरजीत सिंह उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनोहर सिंह गिल ने प्रोफेसर गुरुभजन सिंह गिल को फेलोशिप अवार्ड के बधाई देते हुए कहा, पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा पंजाबी भाषा एवं साहित्य के विकास में अहम योगदान डाला जा रहा है तथा उनके द्वारा लेखों बुद्धिजीवियों को सम्मानित करना बेहद प्रशंसनीय कदम है। इस मौके पर डॉक्टर गिल ने ईवीएम या किसी भी सियासत बारे किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि ये सही मौका नहीं है। इस मौके पर पद्मश्री एवं पंजाब आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर सुरजीत पत्र ने सभी राज्यों की माँ बोली के सम्मान एवं उसके बनते रुतबे को दिलाने के लिए नेशनल पॉलिसी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों में उस राज्य की मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन चंडीगढ़ में सारा काम अंग्रेजी में होता है, जिसे पंजाबी में करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को दफ्तरों में सख्ती से लागू करवाने बारे सरकार की कोशिशें जारी हैं। वो तो सुनिया ही है, समागम ये लाइब्रेरी बनाई है, ये पंजाब अकेडमी एक खास इंस्टीट्यूशन है पंजाब की, 70,000 इन्हां कोल रेयर बुक्स ने पंजाबी दियाँ, विरसा है। सो इस करके ये कोशिश की सी कि लाइब्रेरी नवी बना लीए, क्योंकि इन्होंने को जगह है नहीं सी, और मैं कहा कि नाम ही रखना सायर लुधियानवी के नाँ पर, और इस शहर का उस कॉलेज का जिद मैं भी पढ़िया है, और हिंदुस्तान का अज भी ती सिनमे भी पोइट्री लिखता रहा, अज भी जोड़ा तो गाँव किसी उम्र के हो चंगा लगता वह सायर का ही है, कभी चैक कर लेना। सो बस ये लाइब्रेरी बनानी सी तो ये केंद्र हूँ हो गया तो तुम आना, मैं आया तो वह की कहना, कुछ भी नहीं। मैं तो इन्ना पता कि मैं एक ही फैसला किया बी जिनी ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैनू मिलती है मैं एक धेला भी छड के नहीं जाना। धेला समझना वो किसी जमाने का कॉइन सी इंडिया का, असी समझते हैं एक पैसा भी नहीं छड के जाना। आई वॉन्टड टू यूज इट एंड गिव इट, क्योंकि वो दिल्ली वालों मिलता है तो जे फर्ज करो 100 चो 40 पैसे ही वंडो, जो मैं कहा सी ये मैं पढ़ता रहा ट्रिब्यून च बड़े सालों तो 60 दिल्ली पै रह, बहुत दुख की गल नहीं है कि भाई तुम इतने प्रोजेक्ट ली जो भी तो ठीक समझते वंडो। सो मैं तो वंडे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज 1.5 करोड़ का मेरे ख्याल काम कराया होना गवर्नमेंट कॉलेज, हूँ मैं जाके वेखना है 60 लाख का मैं कुड़िया का होस्टल बनाया है PAU दे विच एग्रीकल्चर यूनिट, वो जाके वेखना है चल रहा है। तो फिर मैं जाना है पिंड है समराले लागे जिथे मंटो जमया सी, यू नो मंटो जी, है मंटो इज़ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, सब तो दुनिया च मशहूर, कोई वो तो उत्ते है नहीं शॉर्ट स्टोरी राइटर सादत हसन मंटो। असी सरकार नूं उपराले करन लई बहुत बेनती कर रहे हैं, जिस तरह पिछले दिन विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई तो उहदे विच जिहड़ियां कुछ गल्लां उभर के आईयां वह दो तरह दी गल्लां सीगियां, कि एक तां इह सोचिया गया कि जिस तरह हुण प्राइवेट स्कूल है उहनां विच बच्चों पंजाब के जम्मियां नूं पंजाब की धरती से बने स्कूलों में पंजाबी बोलने की मनाही है, कि तो इस गल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दूजी जी बहुत देर तो चलती आ रही जी साइन बोर्डा से पंजाबी दी, उस गल मना, बाकी साड़ी मंगा में तो यह भी शामिल सी कि जिस तरह कर्नाटक होया कि
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਔਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰਸੂਟਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ 1951 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ MA ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਚੌਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।